खबर देंगे आपको, एक सियासी जमात के उम्मीदवार किसी दूसरी सियासी जमात के टिकट जमा नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला सुना दिया है। इस फैसले की मजीद डिटेल्स जानते हैं सजाद काजमी से। सजाद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया इस फैसले में? देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ उम्मीदवारों की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि जितने उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ नजरियाती के प्लेटफॉर्म से भी टिकट जो है सबमिट करवा सकते हैं। उस मुतलिक उनको दरियाफ्त दी गई थी। जिस संदर्भ में अब एक हुक्मनामा जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर सुल्तान राजक सरप्राई में 5 सदस्यीय बेंच है जिसकी तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि कोई भी सियासी जो रुकन है या मेंबर है किसी जमात का, वो उसी सियासी जमात का समझा जाता है, और जब किसी और सियासी जमात से वो टिकट लेकर जमा कराएगा तो वो धोखाबाजी समझी जाएगी, और कागजात नामजदगी जब जमा करवाई जाती है तो उसके साथ एफिडेविट लगाया जाता है जो कि उस पार्टी के साथ बताया जाता है कि उस पार्टी के साथ वो मुंसलिक हैं और उसके साथ ही उनकी हमदर्दी है। लेकिन अगर किसी और पार्टी का टिकट बाद में जमा करवाया जाएगा तो उसको सही समझा ना जाए, उसको रद्द कर दिया जाए, और ये आरोप को भी हदायत दी गई है। इस मुताबिक ये तीन सफात पर मुश्तमिल फैसला है, तीन सफात पर मुश्तमिल हुक्मनामा है जो कि जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसमें ये आरोप को हदायत दी गई है कि कोई भी एक सियासी जमात का बंदा जिसने कागजात नामजदगी के वक्त किसी जमात का हवाला दिया हो और वो दूसरी जमात के हवाले से जो टिकट है वो जमा नहीं करा सकता और उसको ना तस्लीम किया जाए। के बहुत शुक्रिया सजाद काजमी, आपने तफसीलात से आगाह किया। एक बार हमारे नाज़रीन को फिर से आगाह करेंगे कि पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान के केस के बाद अब दोबारा ये फैसला सामने आया है इस वक्त कि एक सियासी जमात के उम्मीदवार किसी दूसरी सियासी जमात के टिकट जमा नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से अहम फैसला सुनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की जानिब से जारी फैसले के मुताबिक अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इन दरख्वास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा भी दिया जा रहा है। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार को पार्टी से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देना होता है।